वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज पिद्दा गुलकुंडा शमशाबाद में और एक और वीडियो यहां का बतलाने वाला हूं मैं, अलग ट्रेडर का और होलसेल काम में। तो सारी डिटेल हम बात करेंगे यहां पर, स्पेशली उन लोगों के लिए भी बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से कि जो रीसेलर्स हैं, क्योंकि पट्टियाँ भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर से आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जावेद खान। जावेद भाई, आपका एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर है? ये शमशाबाद से 1-8 किलोमीटर पे पिद्दा गोलकुंडा एग्जिट नंबर 15 पे। पिद्दा गोलकुंडा एग्जिट नंबर 15 जी। ओके, और आपके पास अभी कितने बुल्स हैं? अभी मेरे पास 14 है। 14 और सबके सब प्योर ओंगोल? प्योर ओंगोल है। ठीक है, आप नॉर्मली मतलब दूसरे पहाड़ों का सेल नहीं करते, सिर्फ ओंगोल का ही करते हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसमें ब्रीडर्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को, कोई अगर शौक के लिए रखना चाह रहे हैं उनके लिए मिलेंगे, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप लोग परचेस कर सकते हैं। देखें, मैं पिछले वीडियो में जो बतलाया था आप लोगों को, एक पाड़ा ऐसा बतलाने वाला हूँ जिसके व्हाइट आइस है और कम्प्लीटली गुलाबी है, तो वो भी इस वीडियो में रहने वाला है। तो कौन से पाड़े से स्टार्ट करने वाले हैं आप? जी, ये पाड़े से स्टार्ट कर रहे हो। क्या डिटेल है इसकी? ये देखो, 6 दांत पे है अभी, और इसकी हाइट 5.5 फीट रहती। 5.5 फीट हाइट है इसकी? जी, ओंगल प्योर ओंगल में है। प्योर ओंगल जी। नक्कर और नीचे का जो झालर है, झालर स्टार्टिंग से लेकर उसके जो टेस्टिकल्स है ना जी, टेस्टिकल से पूरा ऐसा झालर लटकते हुए रहना। अच्छा, और हम्प जो है उसका, जो ऊपर ये वाली झालर बतला रहे हैं आप, जो पीछे तक आ रही जी, ये सामने तक जी, और जो हम्प है उसका, वो अगर एक लाइन सामने के जो पैर है ना, एक लाइन अगर ये फीट से लेके ऊपर स्ट्रेट आना है जी, एक आधा इधर आधा उधर रहना, बीच में से एक लाइन सेंटर में आना। बिल्कुल जी, सेंटर में आना जी। ठीक है, और जो जो हम के पीछे का हिस्सा नीचे रहना, और पीछे का हिस्सा थोड़ा पीछे के पैर हाइट रहना, हुआ दबाव हुआ रहना, बेंड रहना सेंटर वाला हिस्सा। और इसकी जो दुम है ना पीछे, ये जमीन को लगना है एक्चुअली। अच्छा, ये एक 1/2 फीट ऊपर है, वो बाल आने से नीचे हो जाती। ओके, और फेस जो है ना इसमें छोटा और लंबा भी रह सकता है, उसमें कोई नहीं। सिंग वगैरह किसी में छोटे किसी में बड़े ज्यादा रहते, उसके मदर के ऊपर डिपेंड होता। अच्छा, है मदर की जो लाइन रहती है उस पर डिपेंड, उसके ऊपर डिपेंड रहती है। ओके जी। नॉर्मली क्या हाइट तक उंगल जाते हैं? उंगल जो रॉक पुलिंग जो रहते, जो खींचते पत्थर खींचने के जो रहते जी, वो 7 फीट तक भी जा सकते। 7 फीट हाइट जी, उसका वेट तुम 1200 kg रहता एक का। ओके जी, 1000 से 1200 kg रहता। जो ब्राजीलियन, ब्राजील में जो है उसका 1600 रिकॉर्ड है वहाँ का। ओके जी, यहाँ पर भी लास्ट ईयर में 1300 लाइव वेट वाला भी कवर कर चुका जी। तो काफी सारी अच्छी ब्रीड है जो इंडिया से अदर कंट्रीज में भी पहुंच गई। हाँ, वो इंडिपेंडेंट से पहले जो ब्राजीलियंस है ना वो लोग, और ज्यादा इंडोनेशियंस भी अपन के पास से लेके गए। इससे बेहतर अगर आपको देखना है ओंगोल, तो खाली वो दो ही ब्रीड चूज करे, ओंगोल और एक वो लोग चूज करे सो गिर, ये दो ही चूज करे जो ब्राजीलियंस। उधर वेदर, अपन का वेदर सेम रहता है एक्चुअली जी जी। जो जस्ट ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं। और क्या रख रहे हैं आप इसका आस्किंग प्राइस? क्या देखिए, प्राइस इसलिए नहीं बोल रहा हूँ उमर भाई, मैं यहाँ से लेके जाके बेचना है, होलसेल प्राइस है मेरा यहाँ। अच्छा, से लेके जाके जो आपके वीडियो के थ्रू दूसरे भी लेके जाके बेचना है, तो वो लोग के भी 2 रुपए बचना है। तो मिनिमम क्या रेंज से क्या रेंज तक रहने वाला है? 40,000 से तो स्टार्टिंग है रेंज। स्टार्टिंग 40,000 नहीं पार होता मेरे पास, जितना भी बड़ा आने दो, कितना भी क्वालिटी रहने दो, 55,000। यानी एक एवरेज इस पाड़े का बतला दीजिए आपके फर्स्ट वाला है, तो इस हिसाब से फिर आगे का अपन रेट डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या प्राइस में रहेगा? मेरा आस्किंग प्राइस इसका है 55,000। अच्छा, यानी आस्किंग 55 है, तो इसमें नेगोशिएबल भी है? हाँ, नेगोशिएबल होता। ओके, तो अच्छा खासा नेगोशिएबल हो जाएगा। अगर अच्छा खासा होता, क्यों बता, पट्टी में मिला के लेते ना, बेचने वाले 2 रुपए कमाना है। बिल्कुल, इसलिए कि लास्ट टाइम भी आप कवर करे थे। ओके, तो पट्टी में कितने जानवर लेना पड़ेंगे आप? उनकी मर्जी है, वो 10 भी ले सकते पट्टी में, 5 भी ले सकते, 15 भी ले सकते पट्टी में, 22 भी ले सकते। मिनिमम 5 से स्टार्ट है, 5 या 4 भी समझो, उनकी मर्जी। अच्छा जी, यानी 4 जानवर भी ले रहे तो पट्टी के हिसाब में देंगे आप? जी हाँ। बहुत खूब। ये वाला एक छोटा पाड़ा है यहाँ पर, ये क्या है इसका? ये लास्ट टाइम मेरे पास था, ये दूध के दांत पे था, अभी दो दांत पे है अभी। ये दो दांत पे जी, ये आंध्र से मंगाया था मैं लास्ट ईयर, जो छोटा, ये भी सेल के लिए है। अच्छा, दोनों जो ब्रीड्स आते हैं ओंगोल के अंदर, जैसे दो किस्म की ब्रीड है, एक लुकिंग में खूबसूरत होती और एक वेट ज्यादा, इससे हाइट और फिगर बहुत ज्यादा होता, तो दोनों अभी अवेलेबल है आपके पास? जी हाँ। और इसमें क्या है देखो, जो ओंगोल की जो ब्रीड है, इसमें एक रायल सीमा बोल के डिवाइड हुआ अपन किस्म से, ठीक है, जो आंध्रा में, जो ये ओंगोल के साइड है। इधर का दोनों का वेदर अलग है, पानी का कंडीशन अलग है एक्चुअली।
जो आप ओंगोल ओंगोल के टाइप देखे अब खूबसूरती रहती उतना गेन नहीं रहता जी। जो आप रॉयल सीमा के सेट जो बुल देखते ना अब जितने भी रॉक पुलिंग जो रहते कॉम्पिटिशन वो लोग पूरा रॉयल सीमा के सेट खरीदते जो पेबर में आता माल जी। उधर साइड आपको जो हेवी साइज दिखता खूबसूरती उतना नहीं रहता। आप रॉक पुलिंग को देख लो जो भी बुल है वो ज्यादा खूबसूरत नहीं रहता, यानी खूबसूरती कम रहेंगे लेकिन वेट बहुत ज्यादा पावर ज्यादा बहुत ज्यादा होती है उनकी जी। ठीक है, और ये वाला क्या है, इसका है ये चार दांत पे रहता है। ठीक है, कुछ पाड़े खोल के भी बतला लेंगे अपन। ठीक है, मैं बताता हूँ। चलिए तो चलिए इसी पाड़े से स्टार्ट करेंगे जो इंडिविजुअल बतलाएंगे अपन जी। इसके व्हाइट आई से और कम्प्लीटली गुलाबी है। इसको अपन अगर आप तो जो भी आंध्रा तेलंगाना और कर्नाटक में जो है इसको श्वेता बोलते हैं। श्वेता मतलब व्हाइट, तेलुगु में जो श्वेता बोलते हैं व्हाइट जी। ठीक है, प्योरली व्हाइट रहते हैं। इसके आंख और नोज काल पैर और टेस्टिकल्स और पीछे की दुम पूरा व्हाइट रहता है। अगर इसमें इसकी मदर अगर देख लिया अपन तो 2 लाख से किसका प्राइस जाता मदर का। अच्छा। ठीक है, पाड़ों का भी वैल्यू रहती है, अगर ब्रीडिंग में कोई यूज करने वाले भी वैल्यू अच्छी रहती तो ब्रीडिंग टाइप में ये यूज करते, बहुत कम रहते हैं। 1000 गाय में बफेलोस में बुल्स जो आते जिसमें एल्बिनो जो कहा जाता जी हाँ, तो बुल्स के अंदर मैं समझता हूँ ये वाले एल्बिनो में श्वेता बुल के रहती है। ब्लैक कपिला एक रहती उसको काली डेड ब्लैक आती लाइट ब्राउन साइड में आता वो उनको भी अच्छी वैल्यू होती। आपको मालूम गाय की वैल्यू वो जो रहती। ये जो पाड़ा दिख रहा है ये 5 फीट तक रहता, 5 फीट हाइट है जी। इसे पूरे दांत डाल दिया एक्चुअली मेरे जहाँ तक मेरा नॉलेज है इसका। ठीक है, और इसका में मिलेगा सब आपकी पट्टी का ही है पूरा माल। आप सिंगल में कौन सा भी होना है सिंगल में ले लो या पट्टी में लेना है पट्टी में लो उसका हिसाब। अगर कोई भी ले जा रहे एक लेके जा रहे उसका भी पट्टी का हिसाब ही रहता, जो ज्यादा एक ले रहे ज्यादा बोल के नहीं रहता, सब रीजनेबल रेट देता हूँ। अच्छा, यानी कोई अगर इंडिविजुअल सिंगल सिंगल भी होना है तो उनको भी रीजनेबल प्राइस में देता हूँ। जब भी हम तो इसलिए कि रीजनेबल देना दे सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं मार्केट से नहीं खरीदता हूँ। मार्केट में आपको पट्टी लेना पड़ता 1000 रुपए दे के और वहाँ पे रेट ज्यादा रहता। जो किसान घर से लेके आता उन तो ट्रांसपोर्ट लगा के लेके आता वहाँ से, बिल्कुल वो भी लगा के देना। डायरेक्ट घरों से लेते इस वजह से आपको कम में जी। रमजान में खरीदी लोग को एडवांस दे के आ जाता हूँ मैं रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो लोग जल्दी पैसे देते नेट देने की वजह से, वो लोग रख के कम प्राइस में अपन को देते हैं और चिट्ठी वगैरह में ज्यादा ट्रांसपोर्ट में कम बढ़ जाते हैं समझो। ओके, तो चिट्ठी वगैरह आपके पास मिल जाएंगे। हम यहाँ से ग्राम पंचायत के जो बड़े रहते हैं यहाँ से मेरी पूरी चिट्ठी देता हूँ, और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है ना उसके भी मैं एक पेपर रहता मेरा जो जीएसटी का वही पेपर लगा के देता हूँ, और सेंट्रल में सेल एंड परचेस का काम है मेरा वो भी मेरा रिजर्वेशन है उसका। ओके, जो रजिस्ट्रेशन है सॉरी रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन का पेपर भी लगा के देता हूँ। ऐसा कोई टेंशन नहीं, एक पेपर से भेजने की जिम्मेदारी मेरी पूरे हैदराबाद में कोने तक। अच्छा, पूरी जिम्मेदारी मेरी, खाली ट्रांसपोर्ट के पैसे में लगा लेना। अदर स्टेट के लिए है सर्विस? अदर स्टेट के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह गाय तो सेल करता हूँ मैं पूरे स्टेट्स में, इंडिया लेवल में गाय सेल करता हूँ वो भी परमिशन है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, यानी किसी को गाय या पाड़ा अगर होना है तो आपके थ्रू कोई भी स्टेट में मंगवा ले सकते, कौन से भी स्टेट में मंगा ले सकते। ठीक जी, तो इसमें रास्ते में रुकावट वगैरह नहीं, पूरा पेपर वगैरह रहता, उसके कंडीशन क्या है इधर से वेटनरी डिपार्टमेंट से हेल्थ की जो सर्टिफिकेट रहती जी, जो वो भी दे के भेजता हूँ। या हैदराबाद में कोई टेंशन नहीं है, अपन के जो यहाँ के सरपंच रहते हैं ना उनका पेपर लगा दिए तो ग्राम पंचायत का चल जाता। ओके ठीक है, इसके बाद जो दूसरा वाला है वो ले आप। ये आज मॉर्निंग उतरा इसलिए आया, ये 400 किलोमीटर दूर से। अच्छा। इसलिए थोड़ा दुबला है ये, 2 दिन में सेट हो जाता है इंशाल्लाह। पलटाओ इसको। जो वेट खींचने वाले पाड़े वो यही नस्ल है? हाँ, इससे थोड़ा हाई क्वालिटी नस्ल है वो जी, ये नस्ल नहीं। कलर शेड वगैरह वगैरह से माँ जो फीडिंग जो पैदा जो फीडिंग सहने देते ना और उसके वजह से थोड़ा वो टाइप में नहीं आते, वो थोड़ा सिलेक्टेड रहते, प्राइम रहते वो जो। ये नहीं कि हर एक को नक्कर रहना है ये टाइप नहीं रहता। प्राइस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता उनका, बहुत ओवर 2 लाख 3 लाख 4 लाख, अगर 20 लाख में 28 लाख रिकॉर्ड है एक पाड़े का यहाँ पर आंध्रा तेलंगाना में जो रॉक पुलिंग का है। ओके, तो ये वाला क्या है, इसका है? ये 4 से 6 दांत पे डाल के रहता। 4 से 6 दांत जी हाँ। ठीक है, इसके बाद दूसरा ले वो लेके आओ। नेक्स्ट में देखिए एक और पाड़ा यहाँ पर है, इसकी क्या एज है? इसके 4 दांत पे है ये। 4 दांत पे जी। ओके, और आड़ा करिए आप इसको, आड़े करो। कलर वगैरह में एकदम साफ है देखिए, और क्वालिटी देख रहे हैं आप पूरे एकदम क्लियर, कोई जख्म नहीं है किसी के, कोई कान या सिंग कटे हुए नहीं है, पैर वगैरह पूरे साफ, टेल एकदम सॉलिड है। आपको जो भी आने वाले हैं अगर सब देख के कुछ ऐब है तो बाजू बांध दे सकते,
जो भी जो पट्टी में जो भी अगर कुछ भी हुआ उसको तो बाजू बांधो, फिर पट्टी का हिसाब पट्टी आपके सिलेक्टेड है वो। अच्छा, अगर यानी जो पसंद करेंगे पसंद है वो प्राइस बतला देंगे। जी सही, बहुत खूब, ठीक है लेके आओ। इसके बाद में एक और ये वाला है जी, उंगल्स में कलर आते कितने? उंगल्स में देखो अपन के पास जितने डिस्ट्रिक्ट है ना, देवरागिरी बोल के भी सुने शायद आप, एक डिस्ट्रिक्ट वो देवरागिरी बोल के ब्लैक एंड व्हाइट पैचेस में आते, इसमें आपको ब्लैक व्हाइट प्योर व्हाइट रेड और ब्लैक और व्हाइट पैचेस आते पंचकल्याणी बोल के। जी हाँ, पंचकल्याणी एक कलर सिर्फ कांकरेज में एक ही सिंगल कलर रहता, दूसरे पूरे जितने भी 22 ब्रीड्स है इंडियन उसमें अलग अलग कलर अपन ले सकते। बहुत खूब जी, पलटा गया इसको आप, इसका बड़ा दिख एकदम अच्छा तैयार, हम भी अच्छा है, इसका साइज झालर ये सब चीजें अच्छी। इसके बाद दूसरा ले पीछे का, ये जो आ रहा सामने, ये भी दो दांत है या चार दांत पे? ये चार दांत पे रहता है। चार दांत जी, नाथी सबको दले भी है? हाँ, सबको यहाँ आए बाद पूरा चेंज कर देते, जो नाथी और उसका जो चिलमल का है ना, ओके, जो पूरे चेंज करके दूसरे डाल देते। यानी जो मुर्की होती है ये भी चेंज कर देते आप, और नाथी अगर पुरानी है तो वो भी चेंज कर देंगे? सबको एक्चुअली सब नए है, जो आज जो उतरे पाड़े मॉर्निंग वो लोगों को चेंज करना है, और धोए भी नए पाड़ों को। जी ठीक है, इसके बाद में पलटाइए आप इसको, ये बनेगा बिना पाड़ा? हाँ बन, इनकी क्वालिटी इसकी माशाल्लाह है, दूसरे पहाड़ों में और इसमें लुकिंग में देखिए फर्क बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट में यहाँ पर एक और पंच फेस, काफी बार सुनते हैं आप लोग, तो ओंगोल में भी पंच आता देखिए, जो सामने से फेस दबा हुआ रहता है, जैसे अरेबियन हॉर्स होते, नोस उनकी बारीक होती और ऊपर से फेस थोड़ा बड़ा होता। अड़ा करिए आप इसको, इसकी क्या एज है जावेद भाई? इसके भी चार दांत पे रहता है। चार दांत पे जी, दो से चार दांत पे, अभी चार दांत तोड़ा पूरे कम एज के पाड़े हैं आपके पास? पूरे जवान पाड़े हैं, जवान पाड़े, हाइट अच्छी, कम एज में भी अच्छी हाइट रहती थोड़े पाड़ों की, वो टाइप में देख के लेके आए, और जवान एकदम। और ये है पंचकल्याणी, जो फाइव जो शेड ज्यादा आता पैरों पर, पैरों पे और टेस्टिकल्स में, दुम पे और नोस पे, बिल्कुल जो है ना वो टाइम पे पांच है। ये भी गायों में थोड़ा ज्यादा, ये मैक्सिमम उंगल में ये कलर आता ना पंचकल्याण जो शेड आता, इसमें अपन को गिर में भी रहता है सेम, गिर ब्रीड जो रहती है ना, हाँ। गिर ब्रीड में भी व्हाइट में आते पंचकल्याणी, और भैंस में गिर के अंदर व्हाइट बहुत कम आते ना, लाल बहुत ज्यादा, 10,000, 20,000, 40,000 गाय में एक गए, जैसा लाल कलर बहुत ज्यादा होता, जो मिट्टी का कलर, जो ज्यादा पैसे लगा के जो खरीदने वाले है, तो लाख में 30-35 लाख में। रिसेंटली 1 ईयर बैक एक जो ज्यादा बिजनेसमैन है, एक खरीदा, मैं पूरी लाइफ में एक देखा, मैं बस मेरे यूट्यूब चैनल 5 साल से जो चला रहा हूँ, एक देखा जो व्हाइट में गिर में देखा नाम ने। और अभी आपके पास टोटल है कितने जानवर? अभी देखो मेरे पास 14 है। 14 है जी, और कंटिन्यू भी आपके पास आते रहते? अगर इसमें जो बिकते ना, ऑलरेडी खरीदी है, कल गाड़ी चढ़ती है और 3 दिन में उतरते इंशाल्लाह। अच्छा। और 10 आने वाले है जी, आते रहते पाड़े उंगल में, सिर्फ उंगल, सिर्फ उंगल का ही काम जी। जी लास्ट टाइम में प्राइस रखा था मैं 38,000 से स्टार्ट, आज अब ये साल प्राइस रखा 40,000 से स्टार्ट, जो पट्टी भी लगा लो, जैसा चूज करना है वैसा चूज करके बाजू बन ले सकते हैं आप, पाड़े देख के खरीद सकते। और सबसे मेन फैसिलिटी ये है कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मैं ही ट्रांसपोर्ट करा के दे, मतलब मेरी जिम्मेवारी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। अगर आ गए यहाँ पर जानवर पसंद कर लिया, आपको अमाउंट दे दिए जी, और उनके घर तक पहुँचाना है, तो ट्रांसपोर्ट आप करवा देंगे? हाँ, ट्रांसपोर्ट के जो चार्जेस रहते हो ना, जो जिम्मेवारी है, जो रोड पे जो भी खर्चा होता सब मैं देख लेता हूँ। बहुत खूब जी, तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है लोगों को, और जावेद भाई का काम मैं समझता हूँ, आपके फ्लाइट में घूमना पड़ेगा जावेद भाई। चलिए बहुत खूब इंशाल्लाह, लेकिन अल्लाह और तरक्की दे। मैं ये बतला रहा हूँ बार बार, और इसमें सजेशन भी करूंगा लोगों को, मार्केट्स जाने से बेहतर है जहाँ भरोसा है, या जहाँ पर आप ला सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंट है, वहां से परचेस कीजिए। खुद ही से ज्यादा हवा में उड़ने जाएंगे तो पर कट जाते, यानी नुकसान बहुत ज्यादा होता। काफी बार ऐसा होता, लोग समझते आसान बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मुश्किल आता है जिसको अपन एक्सपेक्ट भी नहीं करते। तो ऐसे एक्सीडेंट्स होने से पहले आप एहतियात कीजिए, अच्छा है आप लोगों के लिए, आप खुद सेफ रहेंगे। मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं डायरेक्टली वीडियो बतलाऊंगा, या कोई भी चैनल हो, आप लोगों को सिर्फ शो करेंगे। आप लोगों को लेना है, परचेस खुद ही करना है, खुद के पैसे इन्वेस्ट करना है, तो एहतियात करना भी आप लोगों का काम है। तो यहाँ से बेनिफिट हो रहा ट्रांसपोर्टेशन का, तो आप लोग यहाँ जितना ज़्यादा हुआ जावेद भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते, बल्कि क्वान्टिटी में भी अगर होना है तो भी इंशाल्लाह अरेंज हो जाएंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।